मेरी माम वाले जो बाबा जी हैं उनके वालिद और वालदा के साथ कलर का बंच बना हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आज है फ्राइडे का दिन और सारिम हो गए हैं प्यारे से एक बेबी रेडी। पता नहीं कंगी कैसे करता है, ये यूं बना लेता है अपने बालों को चपत्तू। ऑयल ली ना, फिर वो गर्मी है, पसीने आएंगे इसे। आज मैंने नहलाया नहीं दरअसल इसे, कि ये इसके पाँव में चोट लगी हुई है तो फिर चोट पे पानी पड़ेगा, खराब ना हो जाए। और हम बांटने जा रहे हैं टॉफियाँ, मुहर्रम के दिन है, 10 दिन जो है वो हम कोई ना कुछ बांटते रहते हैं, तो टॉफियाँ बांट रहे हैं। सारे जा रहे हैं बाहर सबको देने के लिए टॉफियाँ, और आतिफ जो है वो जुम्मे के लिए रेडी हो रहे हैं फटाफट फटाफट, देर हो गई है उनको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है, और तमाम को जुम्मा मुबारक। और मैं फिर जुम्मे के बाद मैं लेट हो जाऊंगा, आतिफ लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, आप जल्दी से जाए और आप टॉफियाँ बांटे, मैं भी फटाफट रेडी हो जाऊँ फिर नमाज पढ़ने के लिए। आपने कहीं जाना भी है आतिफ आज? मैं आज कल्याम शरीफ जाऊंगा, वहां से वीडियो बना के लाना ना। मैं कल्याम शरीफ बना के तो फिर हम जरा ऐड करेंगे तो लोग फिर वहां की भी ज़ियारत कर लेंगे। अब आप जल्दी से रेडी हो जाओ ताकि फिर आप नमाज पढ़ लो, मैं भी नमाज पढ़ लो। ये मैं उठा लेती हूँ। तो मैं आई हुई थी आज ऊपर इतने दिनों के बाद, क्योंकि आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, धूप तो है पर हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और रात में इतना तेज़ तूफान आया कि हमारा अलम टूट के ऐसे बीच में आ गया, मतलब इतनी तेज़ हवा चली है, और बादल आ रहे हैं, अल्लाह करे बारिश हो जाए। आज मौसम अच्छा तो आज डैडी अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए, तो आज का दिन हमें घर में स्पेंड करना पड़ेगा। और सालिम शाह भी नीचे, मैं देखती हूँ कि सालिम शाह शायद नज़र आए हमें। तो हम आए हैं मेरी माम वाले जो बाबा जी हैं उनके वालिद और वालदा के साथ, ये है अंदर से जगह बनी हुई मज़ार, सलामी काफ़ी भी अच्छा। यहाँ से हमें जाना है, वालिद की भी तुर्बत कर जाते हैं। आज हम यहाँ पर आए थे, सारी माएँ नहीं हमारे साथ, और रातिक जो है वो मल्टों में ही है। देखें इनके सहन में से कितना बड़ा दरख्त जा रहा है, और ये कटिंग नहीं की हुई, बाहर भी ऐसे ही निकला हुआ है।
पर आलम बने हुए इनके, वो दिए जलते हैं और नमाज असर हमने यहीं पर पढ़ ली है। और वो सुबह मिले तो बस हम घर की तरफ चलते हैं या देखो कहाँ जाते हैं। और यहाँ पर भी हम तिरुपत मुबारक, यहाँ पर भी है, यहाँ मेरे से जेंट्स वगैरह जाते हैं शायद, और जो लेडीज़ है वो यहाँ पर आती है क्योंकि वहाँ पर जेंट्स वहीं पर नज़र आ रहे हैं मुझे बस अब। ये है बड़ी सरकार की हमशीरा मुहतरमा और वाली मुहतरम या को तो आगे गुलदस्ता रखा हुआ है। और बाहर से ये इस तरह से अहाता बना हुआ है यहाँ पर अंदर, यहाँ पर मेरे ख्याल से महफिलें वगैरह होती होगी यहाँ पर। और वो बाहर का रास्ता बिल्कुल रोड पर ही है, ये मज़ार रोड थोड़ा सा ऊंचा है मेरे ख्याल से, ये साइड जो है वो नीचे बनी हुई है, वहाँ पर जेंट्स का है बस। आतिफ दे में नमाज़ पढ़ने ऐसा कि वो हमने पढ़ ली है, वो भी आ जाएँ तो बस फिर हम इसको होते हैं। मैंने कहा ज़रा आपको सारा विज़िट कराते हैं अंदर, वो जमात हो रही है मर्दों की। यहाँ पे हम कुछ बोले नहीं हैं कि यहाँ पे बड़ा अंदर होता है, इसलिए मैं अंदर नहीं कुछ बोली थी यहाँ पर। यहाँ से अपायर और आप हफ्ते के बाद खूबसूरत और प्यारा मौसम मावल इस्लामाबाद का, बहुत ही अच्छा मौसम। और बस अब हम लेट्स गो होते हैं, जैसे मर्जी बैठ मौसम आज बहुत अच्छा हुआ है ना, प्यारा मौसम खूबसूरत वेदर है। चले अपने यहाँ से रन होते हैं आराम से, आए नहीं आए। तो हम आए हैं यास्मीन गार्डन, और पिछली दफ़ा जब हम आए थे यहाँ पे काफ़ी फूल वगैरह की क्या लगे हुए थे, नुमाइश है ना आते एग्जीबिशन कह रहे थे, नुमाइश लगी हुई थी, आज कुछ भी नहीं है। हाँ, और सारिम जो है वो हमारे साथ आज आए नहीं है, और मैं आतिफ और बच्चे हम लोग आए थे। हमने कहा आज जरा बड़ी सरकार वहाँ जाएंगे। हाँ, आज बड़े बच्चे साथ हैं हमारे, जो बड़े बच्चे पिंगों पर चले गए हमारे, और काफ़ी फैमिली आई हुई आज भी। लेकिन ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश तो नहीं है, है ना। वैसे यहाँ काके को लेकर आए ना खुश, और झूले भी हैं, लेकिन काका साहब आए नहीं, हालांकि जुम्मे का दिन है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं आया। वो साथ घर दरअसल गया हुआ है, वो लोग आज पार्टी शार्टी कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है उसने, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया। कितनी अच्छी जीप है, काका होता तो बैठ ही जाता जीप पे, है ना। पापड़ वाले अंकल खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। बस अब यहाँ से हमने कहा ज़रा थोड़ी सी वॉक कर लें, फिर लेट्स गो होते हैं घर की तरफ हम, क्योंकि घर जाके आतिफ ने कुकिंग भी करनी है। घर जाके आतिफ ने कुकिंग भी करनी है। बादल देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। आपने करनी है, मैंने करनी है, मैं कर लूंगा। अच्छा चले देखते हैं कौन करेगा। इस लेक पर हम पहले आए थे तब पानी पानी था ना आतिफ, यहाँ खुश्क थी जब भी, और आज भी ये खुश्की हुई हुई है। यहाँ के पत्थर देखें, रश कितना अच्छा बना हुआ है, पानी का बड़ा अच्छा पॉन्ड। हाँ, यहाँ पे पानी और यहाँ पे वो लगे हुए हो ना आती शावर, तो बहुत अच्छा लगे। क्यों, ये क्या चेक कर रहे हैं आप, कौन से पौधे हैं? हाँ, और ये देखें हल्की हल्की सी धूप निकल आई है, पहले धूप नहीं थी लेकिन अब निकल आई है धूप। बच्चे वहाँ पे झूलों के पास से उतर गए,
और हम आके यहाँ पर बैठते हैं ज़रा और गपशप लगाते हैं। बहुत ही अच्छा खूबसूरत और बड़ा, क्या पानी गाड़ी में ही है, मैंने निकाला नहीं था पानी। मौसम अच्छा हुआ है ना, बच्चे खुश हो गए, बड़े बच्चे सारे हमारे खुश के लेक देख रहे हैं ये लोग हैं। सो यहाँ पर फ्लावर्स मुझे नजर आए, कितने कलरफुल कलरफुल फ्लावर है ना, हर हर कलर का बंच बना हुआ है ना। मैरून, ये देखो अनम, यहाँ हर कलर का, पर्पल देखो, रेड कितना प्यारा लग रहा है। वाह, पता चले वो आ जाए, वो पीछे से गार्ड, नहीं नहीं कलियां भी निकली हुई हैं यार, नकली नहीं है ये, पूरा बंच हाँ बहुत खूबसूरत, वही मैंने कहा बंच बना हुआ हर हाँ, दिल बना हुआ कोई, दिल बना हुआ सही पकड़े हैं आपने। और ये क्या आते इनमें वाइट वाइट, वो इसको पता नहीं क्या कहते हैं पौधे को, इसके अंदर भी वाइट वाइट कुछ नहीं, ये क्रिसमस ट्री टाइप है, हाँ क्रिसमस ट्री टाइप है ये, यहाँ पे खाली वाइट फ्लावर है, ये भी वही है, ये वाइट है, खाली वाइट है, वहाँ पे भी कलरफुल फूलों के बने हुए हैं। ये सनसेट होने वाला है बस थोड़ी देर में, हैं? और ये रेड है, हाँ वाकई ऐसे थे कपड़े के बने, ये रेड है, ये देखो चलो वो बेंच है ना, आपा वहाँ बैठते हैं चल के। हाँ ये इस तरह से है, कितना खूबसूरत माहौल और वेद। और ये है खजूर का दरख्त, और ये देखिए छोटी छोटी सी खजूरें निकली हुई भी हैं यहाँ पे, और आतिफ तो तोड़ के खाई भी आती है, छिलका उतार के खाए। वाह ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है खजूर इस दरख्त में निकली हुई, और ये है दरख्त हमारा, हाँ यहाँ बहुत ज्यादा लगी हुई है, ये देखे ना गुच्छे के गुच्छे लटके हुए, ये बड़ी होंगी तो कितनी वो लगेंगी, दिखाए गुठली जरा, हाँ ये देखे इसको कहते खिजी, खिजी सही, फिर खा ली खजूर, अच्छा गुठली खा रहे हैं आप। वैसे यहाँ पे आते पार्टी हो, हम हर जगह जाके यही कहते हैं, यहाँ पे पार्टी बड़ी अच्छी होती, टिक्का पार्टी है ना हम जिस जगह जाते हैं हम हर जगह यही जाके कहते हैं, लेकिन यार बड़ा पुरसकून और बड़ा अच्छा माहौल है ना, मज़ेदार माहौल है। काका आता ना तो वो भी खेल लेता हमारा, काका साहब हमारे आज हमारे साथ नहीं आए, उन्हीं आता तो हम उदास हो जाते हैं। हम निकले दरअसल वहाँ पर ज़ियारात के लिए थे, लेकिन फिर हम यहाँ पार्क में भी आ गए, क्या निकले हुए किन्नू के दरख्त, जब बड़े होंगे ना किन्नू निकलेंगे फिर देखेंगे हम यहाँ पे किन्नू के दरख्त भी।